नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24 लाइव। इंग्लिशिया पंचायत के तरकुलवा गांव में ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी भवन निर्माण में लगाया अनियमितता का आरोप। पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि ने बताया आपसी विवाद। दुर्गा पूजा चंदा के रूप में मांग रहे हैं रंगदारी। खबर बगहा अनुमंडल क्षेत्र प्रखंड बगहा एक की है, जहाँ आंगनबाड़ी भवन निर्माण में अनियमितता का आरोप गाँव के लोगों ने लगाया है। बता दें कि इंग्लिशिया पंचायत के तरकुलवा गांव के वार्ड नंबर 7 में बन रहे आंगनबाड़ी भवन निर्माण में ग्रामीणों ने अनियमितता का आरोप लगाया है। ग्रामीण संजीव दुबे, राधेश्याम पांडे ने क्या कहा, आइए जानते हैं। वहां आंगनबाड़ी केंद्र बन रहा है, उसमें हम लोग गए तो वहां जो है बालू जो है 2 नंबर गिरा हुआ है, सिकराहना का बालू है, और वो जो है 2 नंबर पीला बालू में फेंट कर उसका जो है काम किया जा रहा है। विद्यालय को, पुराना वाला विद्यालय को तोड़कर उसी ईंटा को जो है उसमें निर्माण में लगाया जा रहा है। वहाँ सुबह में लगभग 100 से 125 लोग गए थे ग्रामीण। कौन सा जगह है? तरकुलवा प्राइमरी स्कूल है। क्या चीज़ बन रहा है वो? आंगनबाड़ी केंद्र बन रहा है। प्रखंड कौन सा है? बगहा एक, पंचायत इंग्लिशिया, ग्राम तरकुलवा, वार्ड नंबर 8। इसलिए कि वहाँ पर जो बन रहा है आंगनबाड़ी 2 नंबर काम हो रहा है, उसमें सिकराहना का बालू ले आकर जोड़ाई हो रहा है। इसको लेकर के कहीं आवेदन दिए हैं? आवेदन तो मुखिया के पास गया था, और जो है मनरेगा है कौन उसके पास, वीडियो साहब के भी पास गया है। किस किस चीज़ में मतलब कि कंप्लेन गया है? अरे तो बालू का है, ईंटा का है, पुराना जो वहाँ पर बन रहा था स्कूल उसका भी ईंटा उखाड़ लिया गया है। कितना दिन से बन रहा है? 8-10 रोज से उसमें काम हो रहा है। तो इससे पहले ठीक हो रहा था? नहीं कभी नहीं हुआ है। उसमें 8 एम का सरिया लग रहा है। क्या नाम है? संजीव दुबे। कहाँ घर है? तरकुलवा, वार्ड नंबर 7। वही इनके बातों को सिरे से खारिज करते हुए पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि मोहम्मद समीम व कार्यकर्ते अरविंद दुबे ने कहा। आपका नाम क्या हुआ? समीम अंसारी। यहाँ के आप क्या हैं? पंचायत समिति BDC। BDC आप हैं कि नहीं? BDC ये मेरे पत्नी है। और आप प्रतिनिधि हैं उनके? जी। तो अभी ग्रामीणों का कहना है कि आरोप जो लगा है कि 2 नंबर का काम किया जाता है, इसमें काफ़ी अनियमितता बरती जा रही है, तो इस पर आप क्या कह रहे हैं? हमारे जो मतलब कि जो हम रखे हैं दुबी जी को, वही सब डील करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? अरविंद दुबे। यहाँ जो काम हो रहा है इस पर आम ग्रामीणों का कहना है कि काफ़ी अनियमितता बरती जा रही है, तो इस पर आप क्या कर रहे हैं? तो कहाँ काम हुआ है थोड़ा सा और देख कर बता दिया जाए। हमको अभी मिला है और हम पिलर का काम कर रहे हैं। पिलर इसमें 19 ठो है और हमसे 23 ठो पिलर लिया गया, हम 23 ठो पिलर दे रहे हैं। ग्रेट बीम का काम है 10 mm का, और वह लोग 12 mm मांग रहे हैं, कहाँ से देंगे? एस्टिमेट के अनुसार हम चलेंगे कि एस्टिमेट से अलग हट कर चलेंगे? तो हमारे कहने का मतलब है कि ग्रामीण जो है वह झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? ग्रामीण नहीं ना बोल रहा है, ग्रामीण यहाँ नहीं है, राजनीतिकरण हो रहा है। यह पंचायत समिति कमजोर आदमी है और इनको सताया जा रहा है। मान लीजिए कि पूजा पाठ हो रहा है, कोई चंदा नहीं दिया तो उस पर क्लेम होगा, जो वेटी नहीं दिया हो रहा है। कहाँ इसमें हुआ है आपके नज़र में? कहाँ हुआ है? देखिए काम कहीं हुआ है? एक भी डाला गया है छोरी? आप पर 3 आरोप है, बोलिए। पहला है कि पुराना ईंटा जो है उसको इसमें लगाया जा रहा है, ठीक है। दूसरा है सिकराहना का बालू है, ठीक है, उसको मिक्स करके लगाया जा रहा है, ठीक है। और तीसरा है 8 mm का सरिया इसमें लगाया जा रहा है, जो कि आपके एस्टिमेट में तीनों का तीनों नहीं है, ठीक है। तो उसका जवाब लीजिए, आपके नज़र में यहाँ एक भी पुराना ईंटा दिखाई दे रहा है जो ग्रेट बीम के नीचे डाला गया है? और यह 100 mm का सरिया है, दिखाई दे रहा है 100 mm का सरिया? आप ही बताइए, पत्रकार हैं। 10 mm का है? 100 mm का सरिया है? 12 mm का है? एस्टिमेट में लोकल सेंड है तो लोकल सेंड रहेगा कि नहीं? ग्रेट बीम जब हम बांधेंगे उस पर और नीचे हम ईंटा दिए हैं, उस पर बालू जैन भरेंगे कि नहीं भरेंगे? लोकल सेंड देखकर आगे सोन सेंड और छरी आपको दिखाई दे रहा है? सोन सेंड है यहाँ, सामने सोन सेंड का मसाला के लिए सामान रखा गया था, तो ही बताइए कि नीचे अब बालू दिया गया है दराज भरने के लिए, इसमें कहाँ हुआ है? अभिकर्ता जब जेई यहाँ खड़ा होकर पाइलिंग कराए हैं, जेई साहब रहे हैं, जेई साहब नापी किए हैं, जेई साहब सब काम करवाए हैं, तो 2 नंबर काम इसमें कौन हुआ है?
थोड़ा सा बताया जाए। आज जो 8 नंबर कह रहे हैं कि कहाँ 8 नंबर लगाए, वो हमको देखकर बताइए कि यह 12 है, वह 12 है, वह 12, वो 12 है, यह है 10 का चारों तरफ दिया गया है। ग्रेड बीम दिखा दीजिए कि कहाँ हुआ है, कहाँ इस पर अभी अनियमितता हुआ है वह बता दें। अनियमितता कहाँ हुआ है वह बता दें हमको थोड़ा सा। ये कौन सा जगह है? यह तरकुलवा राजकीय प्राथमिक विद्यालय है। अब रहा विवाद है यहाँ एक ठो, तो बाबूलाल सहनी द्वारा क्लेम जमीन पर किया गया है, वो उसका 1992 से इस पर बंदोबस्ती है। हमको जानकारी नहीं था, नक्शा के अनुसार स्कूल का जमीन है उस पर काम कर रहे थे। इस समय हम अमीन बुलवाए हैं, नापी करवाए हैं नक्शा के अनुसार, तो इसमें अवैध निर्माण उसमें थोड़ा सा हुआ है, तो उसको तोड़वा कर हम पीछे बैक करेंगे। अब तो ये भी टूटने जा रहा है, टूट कर यहाँ अभिकर्ता रहे हैं, डीएम साहब नियुक्त करें किसी कोई आदमी को, जैसे एक नंबर काम होता है एस्टिमेट रख कर काम करा, मटेरियल देने के लिए तैयार हम हैं। मटेरियल आपको चाहिए सोन से लगवाइए या छरी लगवाइए, आप जितना का रेट है उतना का मीठा मंगवाएं, ग्रामीण पैसा ले, लेकिन खड़ा होकर बनवाएं। निर्माण मत रोकिए, निर्माण रोकने का आपका अधिकार नहीं है, काम एक नंबर कराने का आपका अधिकार है। क्या 2 नंबर काम कर रहे थे? तो कहाँ कर रहे थे, वही ना कह रहे हैं कि आप मीडिया है, हमको बताइए कौन 2 नंबर हुआ है, कहाँ आपको 8 नंबर का दिखाई दे रहा है, बताइए 10 नंबर देखिए न्यूज पर, सरिया दिखा दीजिए जिसको देखना हो देखे। हम लोग तो नहीं कह रहे हैं ना कि 2 नंबर हुआ तो वह पैसा कोई नहीं देगा रंगदारी, तो क्लेम करने वाला तो 50 क्लेम करेगा। यहाँ वार्ड है, वार्ड से पूछिए कहाँ 2 नंबर हुआ है, 7 नंबर का वार्ड यहाँ खड़ा है। मौके पर ही मौजूद वार्ड नंबर 7 के वार्ड सदस्य महेंद्र शाह ने आरोप को निराधार बताते हुए आपसी रंजिश बताया। आपका नाम क्या है? महेंद्र शाह। आप यहाँ के क्या है? 7 नंबर वार्ड सदस्य। यहाँ जो ग्रामीण लोग आरोप लगा रहे हैं कि काफ़ी अनियमितता बरती जा रही है, इस पर आपके नज़र में क्या है? देखिए सर, हम 2 दिन पहले भी यहाँ पर आए थे, तो हम देखे कि इसके अंदर से मतलब पुराना ईंट निकल रहा था, तो हमने इन दुबे जी को बोले भी थे कि ये जो पुराना ईंट है इसको बगल में छाट दीजिएगा और नया ईंटा का निर्माण से। तो सर हम 2 दिन भी आए थे, आज सवेरे भी आए थे, तो जैसे इनका स्मिट है हमको दिखाए भी थे, उस स्मिट से काम भी सही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ है कि थोड़ा सा इन लोगों से आपस के विवाद चलता है गाँव में, तो वो लोग इसीलिए आकर मतलब इसको रोक राक कर रहे हैं कि नहीं बनने देंगे, इनका दुबे जी को डरवाएंगे, पंचायत समिति इनको सौंप दिया है, ये सब लेके गांव विवाद में ये सब मतलब मैंने कुल मिलाकर या गांव आपसी विवाद के चलते। लेकिन सर यहाँ इतने गांव का लोग पब्लिक भी है, तो मतलब आप वीडियो साहब से चाहे जो भी इथी है उनसे ले आकर चेक करा लीजिए कहाँ काम इसमें इथी हो रहा है। क्या नाम है आपका? महेंद्र शाह, वार्ड नंबर 7। मौके पर दोनों तरफ से लोग भिन्न भिन्न बातें करते नजर आए। आम लोगों में कुंवर शाह, तिलक शाह, आलम मियां, विश्वनाथ बैठा, तो दूसरी तरफ नंदूराम, तपेश्वर यादव, नन्हे चौबे सहित कई लोग मौजूद थे। मौके पर पहुंचे मुखिया प्रतिनिधि राजेश राव ने क्या कहा, आइए जानते हैं। वहाँ पर जंगल में बहुत ज़्यादा आक्रोश था, तब तक पीओ साहब का फोन आया कि काम बंद करा के लग गए और हम काम बंद करा। पीओ साहब अजय का कल आएंगे जाँच के लिए। क्या नाम है आपका? हम मुखिया प्रतिनिधि राजेश कुमार इंग्लिश जी इंग्लिश।